हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। तो देखिए, पर्सनल में बहुत ही प्यारा फूल खिला हुआ है। और आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो मैक्सिमम पेटूनिया के ऊपर है कि हम मैक्सिमम पेटूनिया की देखभाल किस तरह से करते हैं और उनमें ढेर सारे फूल कैसे हमें देखने को मिलते हैं। और ये देखिए सदाबहार के फूल, और ये देखिए जो है मोसरोज के, कितने प्यारे कलर में फूल खिले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम पेटूनिया का जो प्लांट है समर का, बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है। और मैं आपको दिखाऊं, मधुमक्खी के छत्ते देखिए ऐसे पड़े हैं। तो थोड़े बहुत इधर के जो भी प्लांट है ना, इनकी देखभाल थोड़ा कम होती है, जिनकी वजह से इनकी ग्रोथ भी थोड़ा स्लो हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊं, ये बेल का जो पौधा मैं अभी कुछ दिन पहले लगाई थी, ये भी लग गए हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम पेटूनिया कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, और केयर करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और ये देखिए, बारिश का पानी मिलते ही हमारे पौधों में बहुत ही ज़्यादा हरियाली आ गई है। और चलिए, अब ज़्यादा बात न करते हुए हम मैक्सिमम पेटूनिया की बात करते हैं। ये देखिए कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं इनमें। और मैं आपको बता दूं कि ये परमानेंट प्लांट है, और एक बार अगर कटिंग से या फिर सीड से हम ग्रो कर लिए ना, तो ये हमारे गार्डन में बराबर रहते हैं। लेकिन जो फूल होते हैं ना, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक देते रहते हैं, और बहुत ही प्यारे प्लांट हैं। तो बरसात शुरू हो गई है फ्रेंड्स, और इनमें भर भर के फूल आना शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी कटिंग भी बहुत ही आराम से लग जाती है। अगर इस समय हम इनकी कटिंग लगाना चाहें ना बारिश के दिनों में, तो बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। या फिर मार्च अप्रैल में भी इनकी कटिंग लग जाएगी, और हम जो है इस तरह से भी बहुत ही आराम से उस समय भी और इस बरसात के सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, इनमें घास लगी हुई, तो इन्हें निकाल दिए। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी पानी की, और पानी मिलते ही देखिए इनमें काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। और इनके रूट से भी नए नए प्लांट निकलते रहते हैं, तो हम इन्हें बहुत ही आसानी से अलग पॉट में निकाल कर लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कई कलर में आते हैं, तो ये जो है ना बिल्कुल जंगली टाइप हैं। इन्हें अगर हम मिट्टी में कहीं भी थोड़ा टच कर दें तो ये लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने तो ये इन्हें मांग कर लगाई थी, छोटी सी कटिंग लाई थी और लगा दी, बहुत ही आराम से कटिंग लग गई। तो फ्रेंड्स, ये जो मैक्सिकन पिटूनिया है ना, बहुत ही प्यारा प्लांट है। और ये आप देख पा रहे हैं, इनमें सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। इनकी जो वैरायटी है ना, ये छोटी वैरायटी है, और ये जो गमला है काफ़ी इनके प्लांट से भर जाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। तो फ्रेंड्स, गर्मी की वजह से बिल्कुल बेकार हो गए थे, लेकिन अब जाके देखिए थोड़ी थोड़ी इनकी ग्रोथ हो रही है। तो फ्रेंड्स, दो कलर में हमारे पास मैक्सिमम पेटूनिया है, और भी कलर में मिलते हैं, और नर्सरी से ये 20-30 रुपए में मिल जाते हैं। और मुझे तो ये प्लांट बहुत ही प्यारे लगते हैं। आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस प्लांट की कटिंग भी बहुत ही आराम से लग जाती है, सीड से भी ग्रो हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन्हें लगाना भी बहुत ही आसान है। मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी बिल्कुल फोरस, जैसे हम सभी प्लांट को लगाते हैं ना गमले में, वैसे ही इन्हें भी लगाना है, ज़्यादा मुश्किल है। एक हिस्सा हम मिट्टी लेंगे, एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा जो है ऑर्गेनिक खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, ये तीनों मिला के जो अच्छी तरह से हम इन्हें लगा सकते हैं। देखिए इनमें बीज अब धीरे से बनेंगे। देखिए तो फ्रेंड्स, अभी हमें बीज नहीं लेना है, बीज को हटा देना है, क्योंकि अक्टूबर तक बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग इनमें होती है। देखिए जो है, एक प्लांट से कई प्लांट तैयार हुए हैं इनके। धूप की बात अगर हम करें ना, तो धूप सुबह से लेकर शाम तक इन्हें मिलती रहती है, इन्हें धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही अच्छी तरह से चलते हैं। अगर पानी की बात करें तो गर्मी के मौसम में तो सुबह में अगर पानी नहीं दे पाए तो शाम के टाइम पानी ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि गर्मी में जो है सभी प्लांट को पानी की ज़रूरत होती है, जो हमारे समर के प्लांट होते हैं। तो ये देखिए जो है, इनमें ऐसी ही नमी बनी रहती है। और कटिंग भी लगाने की अगर हम बात करें ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही आसानी से कटिंग लग जाती है, और ज़्यादा समय लगता भी नहीं है, 15-20 दिन में जो है ना इनकी कटिंग धीरे से लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर ये प्लांट आपको कहीं भी दिखे ना, तो आप इसकी कटिंग लाइए और लगा लीजिए, आपके गार्डन में ये हमेशा के लिए बन जाएंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स मैंने भी कटिंग से लगाई, और मैं आपको बता दूं कि सीड बहुत पहले ही कलेक्ट मैंने किया था, और जो भी सीड इनके गिर जाते हैं ना सूख कर, तो बरसात के दिनों में छोटे छोटे सीड से ग्रो हो जाते हैं प्लांट इनके। ये देखिए, इतना जो है हम मिट्टी में लगाएंगे।
तो फ्रेंड्स कटिंग भी बहुत ही आराम से लग जाती है, सिर से भी ग्रो हो जाते हैं, केयर करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसलिए मैं कहती हूँ अगर आपको ये प्लांट पसंद आए तो जल्दी से जल्दी अपने गार्डन में इन्हें शामिल कर लीजिए। बहुत ही प्यारे प्लांट हैं, देखिए इस तरह से हम इसे भी निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे ये प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं और फ्लावर जो फूल होते हैं ना बहुत ही प्यारे लगते हैं, और फूल शाम तक होते होते हैं जिससे एकदम नाजुक होते हैं तो मुरझा जाते हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और फ्रेंड्स आज की हमारी जो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।